वेलकम टू अवर चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एक बार फिर आपका इस पार्ट थ्री के ट्रिपल सी का कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट में वेलकम करते हैं। हमने चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट टू में आपको इसकी बहुत सारी जानकारी दी थी। इस चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन जैसे हार्डवेयर्स टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए हम इस चैप्टर को कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंप्लीट करते हैं इस ट्यूटोरियल। तो जैसे पार्ट टू हमने जो आपको ट्यूटोरियल दिया था वीडियो, उसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम इसको चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी आपका फिर से वेलकम करते हैं इस ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट के ट्यूटोरियल में। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर, ये चार तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को। तो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आप जानते हो जो कि डेस्क के ऊपर रखा जाता है, सिट ऑन अ डिस्क, रियली मूव्ड, लार्ज एंड बल्की होता है थोड़ा सा, एंड मेमोरी कैपेसिटी, ग्राफिक कैपेसिटी एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल वेरी, थोड़ा सा वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसमें कैपेसिटी, ग्राफिक, मेमोरीज वगैरह हो सकती है, ठीक है। और इसको हम जनरली कह सकते हैं कि बिजनेस एंड होम एप्लीकेशन दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं एंड यूज़ फॉर द ट्रेनिंग पर्पज ऑल्सो। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो पोर्टेबल कंप्यूटर भी होते हैं। आपको पता है कि लैपटॉप्स जो होता है एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते हैं उसको, जो कि मूव कर सकते हैं, कैन बी मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसको माइक्रो कंप्यूटर का जो है एक पोर्टेबल लैपटॉप्स कंप्यूटर बोला जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर मॉडल्स के बहुत सारे मॉडल्स आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप हैं, नोटबुक और सब नोट, ये सारे जितने आप देख पा रहे हैं ये सब माइक्रो कंप्यूटर के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की एडवांटेज की। एडवांटेज की अगर बात करें तो स्मॉल साइज होता है, लो कॉस्ट होता है, पोर्टेबिलिटी होती है, लो कंप्यूटिंग पावर लेता है और कॉमनली यूज फॉर द पर्सनल एप्लीकेशंस माइक्रो कंप्यूटर। अगर जैसे एडवांटेज की बात करें इसकी तो लो प्रोसेसिंग स्पीड होती है एज कम्पेयर टू द मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर के अगर कंपेयर किया जाए। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है स्टार्टिंग सबसे पहला कंप्यूटर टाइप होता है, मैंने आपको पीछे ग्राफिक में दिखाया था, जिसका जो कि लो प्रोसेसिंग स्पीड सबसे लो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है। और यूज़ अगर बात करें यूज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स का, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, होम एंटरटेनमेंट या बैंकिंग वगैरह, प्रिंटिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट और मैनी मोर्स हो सकते हैं इसके अलावा भी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड मिनी कंप्यूटर्स की। तो मिनी कंप्यूटर का मतलब कि मीडियम साइज कंप्यूटर होता है, ऑल्सो कॉल्ड द मिनीस, IBM 36 और HP 9000 एक्सेट्रा, ये इसके मॉडल्स हैं, टाइप हैं मिनी कंप्यूटर्स के। तो कंप्यूटर पावर लाई बिटवीन द माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का होता है, कुछ दिखने में ऐसा होता है अगर आप इसको देखेंगे तो। तो जनरली मिनी कंप्यूटर्स का काम होता है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनल आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन सब का जो इंफॉर्मेशन होती है हो रही है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के CPU के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है, सारा शेयरिंग में स्टोर हो रही है। तो इसको हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे यूजर्स एक साथ डिफरेंट डिफरेंट अपने सेक्शंस या डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से अपना डेटा कंप्यूटर के थ्रू शेयर करते हैं और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, उसको हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। तो मिनी कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बिगर साइज देन द PC, एज PC को कंपेयर करते हुए बात करें तो बिगर होता है साइज का, एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू द PC, मल्टी यूजर होता है, मैंने जैसे पीछे बताया आपको कि मल्टीपल यूजर्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, यूजर स्टोर कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स में, और डिफिकल्टी यूज क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, यूज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, लाइब्रेरी एंड बैंक्स पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर्स को। अगर हम बात करें यूजेस ऑफ माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स की, तो कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स को, ATM वगैरह, छोटे जो ATM वगैरह होते हैं, पेरोल कंपनीज वगैरह में यूज करना, डील करने के लिए, एंड हॉस्पिटल पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर सुपरमार्केट्स, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, स्मॉल बैंकिंग अकाउंटिंग एंड कस्टमर डिटेल्स ट्रैकिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है।
तो मिनी कंप्यूटर्स के एडवांटेज की अगर बात करें तो मल्टीपल यूज़र होता है, मैंने जैसे बताया आपको मल्टीपल यूज़र कैन स्टोर डेटा इन अ पर्टिकुलर मेन मिनी कंप्यूटर्स एंड लोअर कॉस्ट देन द मेन फ्रेम्स। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो लार्ज एंड बल्की होता है, थोड़ा बड़ा होता है और हैवी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है जनरली इंटरप्राइजेस सर्वर्स के लिए यूज़ किया जाता है। आप जैसे मोबाइल में आप यूज़ करते हो, मोबाइल को देखा होगा आप हमेशा सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, अगर इंटरनेट से काम कर रहे हो नहीं भी कर रहे हो तो सिम जो है सर्वर के थ्रू हमारा जो है हमें कम्युनिकेट करता है। तो ऑक्यूपाइज एंटायर रूम ऑफ फ्लोर, ये ऑक्यूपाई करता है पूरे रूम को या फ्लोर को। यूज़ फॉर सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने बताया आप कनेक्ट होते हैं सर्वर के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर से, मोबाइल के थ्रू ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी होता है। सर्वर सर्व डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर्स एंड स्मॉलर सर्विस सर्वर्स इन द कंप्यूटिंग नेटवर्क, नेटवर्किंग में ये सर्वर की तरह काम करता है, कुछ ऐसा आपको मेन फ्रेम दिखाई देता है। लार्ज फास्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होता है, और कॉस्ट अगर बात करें तो मिलियन ऑफ डॉलर्स में होती है। IBM 3091 एक मॉडल है इसका, ACL 39 दूसरा मॉडल है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिगर्स इन द साइज इन द माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स वेरी एक्सपेंसिव होता है, सपोर्ट अ फ्यू हंड्रेड इन यूजर मल्टीपल यूजर, डिफिकल्ट टू यूज एंड मोर कंप्यूटिंग पावर इन द मिनी कंप्यूटर्स। कहाँ पर यूज किया जाता है, एरिया वेयर मेन फ्रेम्स आर यूज, तो एयरलाइन रिजर्वेशन, बिग बैंकिंग, जैसे आप बड़े बड़े बैंक देखते हो जैसे SBI वगैरह बैंक हैं जो गवर्नमेंट्स के, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम को। स्पेस व्हीकल्स कंट्रोल्स, वेदर फॉरकास्टिंग्स, एनिमेशन, कार्टून वगैरह, मूवीज वगैरह में देखते होंगे आप, कुछ इस तरह से पूरे एंटायर रूम को कवर करते हुए चलता है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज सपोर्ट्स मैनी यूजर इंस्ट्रक्शंस एंड लार्ज मेमोरी होती है इसकी, ह्यूज साइज होता है डिसएडवांटेज में बात करें तो, और एक्सपेंसिव होता है। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो फास्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है, जनरली यूज फॉर द एप्लीकेशन मॉलिकुलर केमिस्ट्रीज, न्यूक्लियर रिसर्च, वेदर रिपोर्ट्स एंड एडवांस फिजिक्स पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग आज की डेट में सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेट किया जाता है, जो भी नेचर में होता है कि अगर मान लो आपके एरिया में अगर बारिश होती है या स्नोफॉल होता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पता लगाया जा सकता है कि कितना स्नोफॉल या कितनी बारिश मिलीमीटर में हुई है, या पहले से ही पता फोरकास्टिंग कर ली जाती है कि किस दिन कितनी बारिश हो सकती है या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करता है। एडवांटेज होती है स्पीड, यानी कि स्पीड इतनी होती है कि कोई भी इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता एज अ ह्यूमन बींग। डिसएडवांटेज है कि जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। अब बात करते हैं हम कि कुछ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में अगर हम बात करें कि जो कंसेप्ट होता है, लॉजिक होता है यूज करने के, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर भी बात करते हैं कि कैसे हमारे कंप्यूटर यूज करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे एनालॉग टाइप कंप्यूटर आते थे। These systems were the first time to be produced. It is an electronic machine capable for performing mathematical functions on numbers which are represented by the some physical quantities. तो इसमें क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज को चेक करने के लिए हम पहले फिजिकली इसको यूज करते थे, इस तरह के कंपोनेंट्स को, बहुत सारे कंपोनेंट्स को, तो उसको एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता था। बट उसके बाद सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, तो डिजिटलाइज मीन्स सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता था। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लगे, और सॉफ्टवेयर में वो सब डिजिटली हम सारा जो भी हमें वर्क करना है वो फीड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो जाता था, तो हो जाता है और डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड आपका जो एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, इनके मिक्स से बनता है, दोनों ही में ये वर्क करता है। अगर हम बात करें डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे पीछे हमने माइक्रो कंप्यूटर में आपको बताया, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें एक हमारा CPU होता है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस होते हैं, और एक मॉनिटर होता है हमारे स्क्रीन में, तो उसको डेस्कटॉप यानी कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कंप्यूटर के डेस्क
टेबल होती है उसके ऊपर रखा जाता है, इसको डेस्क और टॉप यानी कि उसके ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। लैपटॉप जैसे कि आप इसको कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सर्वर, आप जानते होंगे सर्वर कि सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन दैट अदर कंप्यूटर कॉल्ड वर्क स्टेशन, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ग्लोबल लेवल पे और वाइड एरिया में अगर कोई डेटा हमें ट्रैवल करवाना होता है, कम्युनिकेट करवाना होता है, तो हम सर्वर की हेल्प लेते हैं उसके लिए। तो सर्वर जैसे सैटेलाइट्स की हेल्प लेते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं पर भी एट ए टाइम अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं, तो सर्वर वो इंफॉर्मेशन हमें किसी भी ग्लोबल लेवल पे कहीं पर भी वो कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, जो कि सर्वर के थ्रू होता है, जो कि सर्वर भी एक कंप्यूटर टाइप होता है। बात करते हैं हम इनपुट डिवाइसेस की। अगर हम इनपुट की डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस मीन्स टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू यूजर, यानी किसी ऑपरेटर या यूजर के थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में हम देते हैं, तो उसको इनपुट बोला जाता है, इनपुट डिवाइस। तो डेटा आर फैक्ट्स नंबर एंड कैरेक्टर्स दैट आर एंटर इनटू द कंप्यूटर बाय कीबोर्ड। तो कोई भी हम इंफॉर्मेशन टाइप करनी होती है हमें, नंबर्स हो या कैरेक्टर्स हो, तो हम कीबोर्ड्स के थ्रू वो देते हैं। कीबोर्ड एंड माउस आर द बेसिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड्स एंड माउस जो है बेसिक प्राइमरी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन में ये कुछ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस आपके स्क्रीन में दिए हुए हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस तो आप जानते ही हैं, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, पॉइंटिंग स्टिक्स, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, स्कैनर्स, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट्स एंड कैमरा वगैरह वगैरह, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर यूनिट सीपीयू की। तो अगर हम प्रोसेसर यूनिट की अगर बात करें तो सीपीयू के अंदर टू मेन पार्ट, यानी कि दो मेन पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस एंड डू सम कैलकुलेशन लॉजिक, जहां पर हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो वहां पहुंचता है उस जगह पर, और हमारी कैलकुलेशन और लॉजिक जो भी होता है वो वर्क करती है। दूसरा पार्ट होता है हमारा इसमें मेन मेमोरी, वेयर योर डेटा रीड एंड राइट, जहां पर आपका डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। पीछे मैंने आपको पहले जो इसका चैप्टर का पहला पार्ट था उसमें आपको बताया था कि हाउ टू प्रोसेस इन द सीपीयू, उसमें भी हमने सीपीयू के बारे में और मेन मेमोरी के बारे में भी आपको डिस्कस किया था। तो जो भी मेमोरी में हमारा रीड और राइट होता है, तो राइट का मतलब स्टोर होता है, उसके लिए हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या कोई अदर जो भी स्टोरिंग डिवाइस होती है उनको यूज करते हैं। मेमोरी, अगर कंप्यूटर की मेमोरी की अगर बात करें हम, तो दो तरह की मेमोरीज होती है हमारी, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि जो कि टेम्प्रेरी मेमोरी, जो टेम्प्रेरी टाइम तक यूज करती है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्प्रेरी मेमोरी कहलाती है। जैसे इसके अंदर कोई भी इसके थ्रू इस मेमोरी के थ्रू जो भी हम स्टोर करते हैं उसमें, जैसे फाइल हमने कोई बनाई और सेव किया और स्टोरिंग डिवाइस में उसको सेव कर दिया, तो सेव करने के बाद हम बाद में उसको फर्दर रीयूज भी कर सकते हैं और जब चाहें हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं अपने स्टोरिंग डिवाइस से। तो इसलिए वो जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तो टेम्प्रेरी मेमोरी बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को, जो कि रैम होता है। आप स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस तरह की रैम लगी होती है हमारे मदरबोर्ड में सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग। दूसरा होता है हमारा परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रोम, जो कि लॉन्ग टर्म बोली जाती है परमानेंट मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, देखा होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी पहले से रोम में स्टोर करके रखती है, और हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश भी हो जाती है और नहीं काम करती है, उसके बाद भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे स्क्रीन में दिखाई देती है। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन आती है वो रोम में परमानेंट स्टोर होती है, कि कौन सी कंपनी का कॉन्फ़िगरेशंस क्या है कंप्यूटर का, वो सारे डिटेल्स
हमारी रोम की इंफॉर्मेशन, तो हम ये परमानेंट होती, इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली ऑपरेटर यूज़र इसको स्टोर नहीं कर सकता है और ना ही इसको रिमूव या डिलीट कर सकता है, इसलिए इसको परमानेंट टाइप मेमोरी बोला जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आपको मैंने बताया और रीड ओनली मेमोरी के बारे में भी आपको बताया। अब बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट जैसे कि आपको मालूम है कि आफ्टर द डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड, जैसे प्रोसेस होता है हमारा डेटा मैनिपुलेट होता है, द रिजल्ट आर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारा जो रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट कहाँ पर होता है, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन में होता है या फिर हम प्रिंटर ऑन द पेपर्स या किसी और भी आउटपुट डिवाइसेस में हो सकता है। तो आपके सामने ये मॉनिटर दिखा रखा है और एक प्रिंटर, यानी मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर जो होता है वो टेम्प्रेरी आउटपुट डिवाइस होता है और ये प्रिंटर परमानेंट आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे टेम्प्रेरी आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि स्क्रीन में जो भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसको हम हटा सकते हैं और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट हम स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रिंटर में एक बार हमारे पेपर में हमारा छप जाता है, प्रिंट हो जाता है, तो उसको हम दोबारा रिमूव नहीं कर सकते, हमें फ्रेश पेपर डालना पड़ेगा, तो इस तरह से वो पेपर में परमानेंट हो जाता है, इसलिए परमानेंट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं इसको। परमानेंट आउटपुट दैट मीन्स अ हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट एंड जो डिस्प्ले होता है उसको सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट बोलते हैं। कुछ आपके स्क्रीन में कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस देख रहे हैं, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे मैंने डिस्कस किया भी, स्पीकर्स एंड मॉडेम भी इसके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। कुछ जैसे वेबकैम, माइक्रोफोन, प्रिंटर, वेबकैम, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, हेडफोन्स, तो दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ योर कंप्यूटर। कुछ आपके प्रिंटर्स भी दिख रहे देख पा रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, तो चार तरह के जनरली हमारे प्रिंटर्स टाइप होते हैं। इनकी जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो सबकी डिफरेंस होती है। जैसे डॉट मैट्रिक्स की अगर बात करें, अगर लार्ज, अगर हमें बहुत सारा डेटा हमें प्रिंट करना होता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा होगा तो बहुत सारी शीट्स निकलती हैं, तो डॉट मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, ये चीप एंड बेस्ट प्रिंटर माना जाता है, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत सस्ता होता है, बट इसका आउटपुट जो होता है वो हम कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों निकाल सकते हैं, बट कॉस्टली होता है। अगर लेज़र की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इसको जो खरीदते हैं तो कॉस्टली होता है, बट इसका आउटपुट जो होता है वो बहुत चीप और सस्ता होता है और क्वालिटी बेस्ट होती है। तो इस तरह से डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लाइन प्रिंटर या लेजर प्रिंटर की हेल्प लेते हैं। तो द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि मेन जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स, फर्मवेयर्स, यूजर्स। जैसे हार्डवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, फर्मवेयर और यूजर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर की अगर बात करते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आपके जितने भी फिजिकल पार्ट जिनको आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उनको हम कंप्यूटर का हार्डवेयर बोलते हैं। दिस इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड एक्सेट्रा। जैसा आप देख सकते हो ये सारे फिजिकल पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, कंप्यूटर पार्ट्स जैसे मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, जैसे केस, और ये देखिए केस बोला जा रहा है, सीपीयू केस है ये, और सीपीयू केस के अंदर ये सारी चीज़ें अटैच रहती हैं, जैसे पावर सप्लाई, SMPS बोला जाता है इसको, DVD रोम, मेन बोर्ड, मेन बोर्ड के अंदर CPU, CPU फैन, RAM भी लगी होती है, VGA कार्ड्स ग्राफिक देखने के लिए, साउंड कार्ड्स, हार्ड डिस्क एंड रीडर्स ऑल इन वन इंटरनल। तो बहुत सारे देखिए डिवाइसेस जो हैं इस कैबिनेट के अंदर, CPU कैबिनेट के अंदर, केस के अंदर लगे हुए होते हैं। तो इन सब को फिजिकल पार्ट्स और कंप्यूटर पार्ट्स बोला जाता है, हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, व्हाट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग ऑपरेटर्स एंड डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स लाइक डॉक्यूमेंटेशंस, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग एंड डेटा मेंटेन।
तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये यूज़र या ऑपरेटर की हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई रिज्यूमे बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई अदर्स डेटा मेंटेन करना है, किसी स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स स्टोर करनी है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है, कैश मेमो बनाना है, बिल बुक क्रिएट करना है, लेज़र, तो ये सब चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के डेटा मेंटेन कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के थ्रू। जैसे आप देख पा रहे हो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं। किसी ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं सपोज, तो हम एमएस ऑफिस यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह यूज करते हैं, अकाउंट पैकेज टैली वगैरह यूज करते हैं अकाउंट्स वगैरह यूज करने के लिए, एंड किसी भी तरह की पब्लिकेशन हाउस में हम डेस्कटॉप पब्लिकेशन डिज़ाइनिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और बहुत सारे जो हैं प्रोग्राम को हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं। कुछ आप ग्राफिकली चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है। ये कंप्यूटर सिस्टम्स में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। ओके, तो जैसे हार्डवेयर मैंने बताया, फिजिकल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, या ये सब सारे कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं हम, ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर बोला जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स हो सकते हैं हमारे किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के। और अगर एप्लीकेशन की बात करें हम, तो एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं, जैसे रेडीमेड्स और टेलर मेड। रेडीमेड्स का मतलब जो बने बनाए होते हैं सॉफ्टवेयर्स, हम उनको यूज़ करके उसमें काम कर लेते हैं। तो बहुत टेलर मेड की अगर बात करें तो टेलर मेड यानी कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने जो भी उनके यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस होता है, काम होता है, वर्किंग होती है, वो स्पेसिफिक वर्क करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करवाते हैं डेवलपमेंट कंपनी से, उसको हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। फर्मवेयर की अगर बात करें तो फर्मवेयर यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो फर्मवेयर होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। जैसे अगर रोम की बात करें तो रोम एक अपने आप में हार्डवेयर होता है और इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो ये हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ऐसे BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर या पोस्ट के अंदर भी हमारी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और इसके अलावा ये हार्डवेयर भी होते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नॉन एज फर्मवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स की बात, थोड़े कंप्यूटर्स के सिस्टम्स के कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड्स की। जैसे कि आपको मालूम है कीबोर्ड्स एक इनपुट डिवाइस होता है, और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर में देना होता है उसको इंस्ट्रक्शंस को देने का काम करता है। बट उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा बातें इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे किसी भी कीबोर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड्स होता है उसमें अप्रॉक्स 101 और मोर कीज होती हैं किसी भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के अंदर। अगर टाइप्स ऑफ कीज की बात करें कीबोर्ड्स के अंदर, तो कुछ इस तरह के कीज बोर्ड के अंदर कीज मिलेंगी आपको किसी भी कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के अंदर, जैसे फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज, नेविगेशन कीज, पंचुएशन कीज, मॉडिफिकेशन कीज, स्पेशल कीज एंड विंडोज कीज। अगर टाइप ऑफ कीबोर्ड की अगर बात करें हम, तो एटी कीबोर्ड, PS2 कीबोर्ड्स, USB कीबोर्ड टाइप आपको मिलेंगे, और उसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड्स भी आज के डेट में अवेलेबल होता है जिसमें कोई वायर नहीं लगा होता है। अगर 80 एडवांस टेक्नोलॉजी कीबोर्ड्स की अगर बात करें तो ये 5-पिन कनेक्टर देख सकते हैं आप, 5-पिन कनेक्टर जो होता है ये 80 एडवांस टेक्नोलॉजी कीबोर्ड्स होता है। अगर PS2 की बात करें तो पर्सनल स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स, तो इसमें जो होता है 6-पिन कनेक्टर्स होता है और इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट होती है। और USB कीबोर्ड, जैसे आप जानते हैं आजकल USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस कंसेप्ट में हमारे ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं, जो कि 4-पिन बेस्ड होता है, और इसकी जो
जो डेटा ट्रैवल स्पीड होती है वो भी फास्ट होती है, इसलिए और मोर रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स कनेक्टर्स। माउस, अगर माउस की बात करें तो माउस जो है डोंगर एगलबर्ट्स ने इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस इन 1963 में ये इन्वेंट किया था इसको, और जनरली ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन को यूज या ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। अगर टाइप ऑफ माउस डिवाइसेस की बात करें तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टी मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस, ये चार तरह के आपको माउस देखने को मिलेंगे। अगर मैकेनिकल माउस की बात करें तो इसमें एक स्मॉल मेटल बॉल और रबर बॉल हो सकती है, होती लगी होती थी पहले या आउटडेटेड है भी, और इसके बिहाव पे हमारा जो माउस पॉइंटर है वो मूव करता था। फिर उसके बाद ऑप्टो मैकेनिकल माउस बनाया गया जिसमें हमारा जो जो बॉल है उस बॉल के साथ साथ हटा के ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया उस बॉल को साथ, और व्हील के साथ सेंसर लगा के हमारा ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस काम करता था और पॉइंटिंग डिवाइस वर्क करता था। फिर ऑप्टिकल माउस आया, ऑप्टिकल माउस में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया बॉल को हटा के, और ये मोर रिलायबल और फास्टर है। और उसके बाद फिर कॉर्डलेस माउस आया जिसमें कोई भी वायर्स नहीं होता है, वो ब्लूटूथ के बिहाव पे या जैसे ब्लूटूथ डिवाइस वर्क करता है उससे से यूएसबी कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे कंप्यूटर में, और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम कॉर्डलेसली यानी कि विदाउट कॉर्ड के हम वायर के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कनेक्टर की बात करें माउस कनेक्टर की, तो सीरियल कनेक्टर, PS2 कनेक्टर और USB कनेक्टर जैसे हमारे कीबोर्ड में होते थे। तो आप देख सकते हो ये सीरियल कनेक्टर है हमारे माउस का, PS2 कनेक्टर आप देख सकते हैं, PS2 कनेक्टर जनरली जो PS2 कनेक्टर होता ना जैसे कि कीबोर्ड्स में, और इसे USB कनेक्टर बोलते हैं जो आज की डेट में बहुत फेमस है और हर जगह पर यूज़ किया जाता है। इवन मोबाइल पर भी आप देखेंगे तो आप USB कनेक्टर यूज़ करते हैं, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी जो होती है एक परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मेगाबाइट्स में आया करती थी पहले, अब गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में भी इसकी स्पीड होती है। अप्रोक्स अगर बात करें तो 1024 जो होती है मेगाबाइट्स कॉल्ड अ 1 GB, और 1024 GB कॉल्ड अ 1 TB। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो टेराबाइट पर होती है, और हार्ड डिस्क कुछ ऐसी दिखाई देती है जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी भी तरह के कंप्यूटर की जो होती है परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस होती है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर वो वर्क करती है। तो इसमें कुछ जो इंटरनल पार्ट आप देख पा रहे हैं हमारे जो हार्ड डिस्क होती है इस तरह से कुछ डिस्क लगी होती हैं, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारे हार्ड डिस्क के, और देखिए ये इस तरह से प्लेटर्स लगे होते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, और रीड एंड राइट हेड होता है जो कि इसको स्टोर करने का काम करता है, ये लॉजिकल बोर्ड भी होता है इसके अंदर जो कि लॉजिकली वर्क करता है, स्टोर करता है हमारे, देखो ये एक जम्पर होता है जिसके थ्रू हम इसकी सेटिंग से एक से भी ज़्यादा हम हार्ड डिस्क पार्टीशंस यानी कि हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं हमारे अपने कंप्यूटर्स के अंदर। हार्ड डिस्क का कुछ स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे इस तरह से होता है, इस तरह से हमारे ट्रैक स्टोर होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को इस तरह से हम डिटेल में बता रहे हैं जैसे मेन एक्सेस होता है, हेड होता है, कंट्रोल चिप होता है, इंटरनल केबलिंग, इंटरफेस कनेक्टर, जम्पर्स, पावर सप्लाई कनेक्टर्स, हेड इंजन्स, हेड सपोर्टिंग आर्म्स और डिस्क वगैरह वगैरह आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में अपने। तो हार्ड डिस्क का अंदर का आपका पार्ट्स देखने को मिल रहा है और किस किस सेक्शन को क्या बोला जाता है पूरा स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ हार्ड डिस्क की तो ये तीन तरह के टाइप होते हैं हार्ड डिस्क के, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट यानी कि आटा, सीरियल आटा यानी कि साटा बोला जाता है उसको, एज फॉर सीरियल ATA आटा फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस SCSI टाइप ऑफ हार्ड डिस्क होते हैं।
जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट की बात करें तो इस तरह का कुछ यूज़ होता था पहले। फिर उसके बाद सीरियल आया आटा, और फिर उसके बाद साटा आया, साटा टाइप ऑफ हार्ड डिस्क जिनकी कैपेसिटी होती थी, और कैपेसिटी इनकी अब जो टेराबाइट्स में दिखाई देती है आपको। और ये कुछ कनेक्टर्स देख पा रहे हैं आप, ये नॉर्मल कनेक्टर्स हैं, ये आटा कनेक्टर्स और ये साटा कनेक्टर्स हैं, देख सकते हैं। ये साटा का केबल है जिसके थ्रू डाटा ट्रेवल करता है, और ये इसके थ्रू हमें पावर दी जाती है हमारे जो है हार्ड डिस्क को। अब बात करते हैं हम सीडी रोम और सीडी राइटर या डीवीडी। तो आप देख सकते हो सीडी ये ड्राइव है, ये सीडी हमारी डिस्क है और डीवीडी डिस्क है। जनरली हम बात करें सीडी रोम की, तो सीडी रोम काम करता है जनरली स्टोर अबाउट 1.44 MB तक डेटा स्टोर करता था सीडी, सीडी में हम स्टोर कर सकते थे। अगर ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो यूज लेजर टेक्निक से काम करता है, रीड एंड राइट डेटा ऑन द सिल्वर प्लेट्स के ऊपर ये स्टोर करता है। और कॉम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी की बात करें तो 650 MB से लेकर 800 MB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। और रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ रीड कर सकता है हमारी मेमोरी में से, इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। यहीं अगर हम बात करें कि हम अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए सीडी राइटर की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं इसको, इसको इसकी कैपेसिटी की बात करें 4.8 GB से लेकर 8.0 यानी कि 8 GB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। और ये भी डीवीडी रोम और डीवीडी आर यानी कि राइटर दोनों में ही ये आते हैं। ये कुछ आपके सीडी रोम और डीवीडी रोम यानी कि ड्राइव जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगे होते हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को रीड या राइट करते हैं। इनके कनेक्टर्स देख सकते हो आप, ये डेटा केबल कनेक्टर है जिसके डेटा चलता है, और पावर केबल है। ये इसका भी एक जम्पर होता है जैसा हार्ड डिस्क का होता है, जिससे कि हम सेटिंग करके इसको यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर हम बात करें मदरबोर्ड, तो मेन जो कंप्यूटर का पार्ट होता है कंप्यूटर सीपीयू के कैबिनेट के अंदर होता है वो मदरबोर्ड है, जिसके थ्रू जिसमें सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे हार्ड डिस्क हो, रैम हो, सीडी रोम हो, सीपीयू हो, और सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर ही अटैच किए जाते हैं, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, इनपुट डिवाइस हो। तो मदरबोर्ड इज द सेंट्रल सर्किट बोर्ड मेकिंग अ पर्सनल कंप्यूटर पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, एक सेंट्रल सर्किट बोर्ड बोला जाता है इसको। मदरबोर्ड पर्सनल कंप्यूटर इज बिल्ट विद अ सीपीयू, मेन मेमोरी, अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। तो जितनी भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, वो सारे कंपोनेंट्स हमारे मदरबोर्ड से अटैच रहते हैं। कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मदरबोर्ड का। तो मदरबोर्ड में भी हम मदरबोर्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी 80, बेबी 80, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड 80X फॉर्म आपको मदरबोर्ड्स मिलेंगे। तो एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बेबी 80 फॉर्म्स और 80X टाइप मदरबोर्ड्स मिलते हैं आपको। कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहाँ देख पा रहे हैं फ्लॉपी से लेकर आईडी कनेक्टर, सिस्टम पैनल कनेक्टर, साटा कनेक्टर, यूएसबी हेडर्स, डिजिटल ऑडियो कनेक्टर्स और सारे कंपोनेंट्स इसी मदरबोर्ड में हमारे कनेक्ट रहते हैं। देख लीजिए, ये मदरबोर्ड के जो डेस्कटॉप हमारा कैबिनेट होता है उसके बैक साइड का पैनल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे कंपोनेंट जैसे कीबोर्ड, माउस, सीरियल पोर्ट, वीडियो पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, लाइन इन जैक, माइक्रोफोन जैक्स, जैसे हमें रिकॉर्डिंग करनी हो, हमें अगर सुनना हो गाना वगैरह यानी स्पीकर के थ्रू, यहाँ पर हम चाहें RJ45 पॉइंट्स यानी कि इंटरनेट लाइन केबल हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल पोर्ट यानी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए पैरेलल पोर्ट्स हैं जो आप देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन में, PS2 पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, USB
और माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा सीपीयू, और इसमें एक सॉकेट लगा होता है और ये इसके ऊपर एक इसका माइक्रो प्रोसेसर को कूल करने के लिए एक फैन लगा होता है, इसको सीपीयू फैन भी बोला जाता है। मेन मेमोरी अगर बात करें तो मेमोरी हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें रोम और रैम होता है, जिसके बारे में हम बायोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं आपको। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो परमानेंट टाइप होती है रोम, और टेम्प्रेरी टाइप रैम होती है। रोम के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे पी रोम, ई पी रोम, ई ई ई पी रोम्स। और रैम की अगर बात करें यहाँ पर भी आर डी रैम्स, एस डी रैम, डी डी आर रैम, ई डी ओ रैम्स वगैरह, डी रैम्स वगैरह वगैरह होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, जैसे मैंने स्टोरिंग डिवाइस पर्पज़ के लिए यूज़ किया थी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो गई परमानेंट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो सकती है, पेन ड्राइव, सेफ ड्राइव या डी वी डी सी डी वगैरह भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रिपल सी के अंदर ऑलमोस्ट हमने कोर्स में आता है वो ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फोर में नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकेंड डिस्कस करेंगे सर हमारे इसमें। जैसे चैप्टर सेकेंड हम दिखा देता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन हमारा जो चैप्टर सेकेंड है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग और अदर्स जितने भी हैं हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपने ये वीडियो ट्यूटोरियल जो आप पार्ट थ्री देख रहे थे इसको आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखा होगा, और इस तरह से आप अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम में इजीली आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें। तो हम आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिपल सी के ट्यूटोरियल के पार्ट्स में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।